हेलो एवरीवन, आज का वीडियो का टॉपिक है विस्कोसिटी। इस वीडियो में हम विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे, तो देखते हैं हम क्या होता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है, या इसके हिंदी में बोलते हैं श्यानता। श्यानता क्या होती है? किसी द्रव का शियर या टेंसाइल स्ट्रेस के द्वारा लगातार डिफॉर्मेशन होने के प्रतिरोध क्षमता या रेजिस्टेंस के माप को विस्कोसिटी या श्यानता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे श्यानता को एक हिंदी में कॉमन वर्ड होता है चिपचिपापन या गाढ़ापन। तो दूसरे शब्दों में चिपचिपापन एक तरल पदार्थ के प्रवाह के प्रतिरोध का वर्णन करता है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शहद पानी से अधिक मोटा है। इसके बदले हम ये भी कह सकते हैं कि शहद पानी की तुलना में अधिक चिपचिपा है, या इसके बदले ये भी कह सकते हैं शहद पानी की तुलना में उसकी श्यानता अधिक होती है। विस्कोसिटी की परिभाषा, तो विस्कोसिटी की परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक तरल पदार्थ की विस्कोसिटी किसी दिए गए दर पर या रेट पर विरूपण यानी कि डिफॉर्मेशन के प्रतिरोध का एक माप होता है। उदाहरण के लिए सिरप में पानी की तुलना में अधिक चिपचिपापन या श्यानता होता है, यानी कि सिरप पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है, यानी कि वो ज़्यादा रेजिस्टेंस में होता है बहने के लिए। विस्कोसिटी के फार्मूला, तो विस्कोसिटी का फार्मूला क्या होता है? विस्कोसिटी को फ्लूइड या द्रव के शियरिंग स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के अनुपात के रूप में मापा जाता है। यदि किसी स्फीयर को द्रव पर गिराया जाता है, यानी कि किसी गोले को हम किसी द्रव पर गिराते हैं, तो उसे निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके विस्कोसिटी निर्धारित किया जा सकता है। तो फार्मूला उसका है ईटा इज इक्वल टू 2gA² रो डेल्टा रो डिवाइडेड बाय 9V, जो ईटा है वो विस्कोसिटी दिखा रहा है। डेल्टा रो वो डेंसिटी डिफरेंस, दो फ्लूइड और स्फीयर के जो डेंसिटी डिफरेंस है उसे दिखा रहा है डेल्टा रो। ए स्फीयर का रेडियस है या गोले का रेडियस है वो, और उसका फिर जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वी वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। वेलोसिटी को कैसे डिनोट किया जाता है? वेलोसिटी को पास्कल सेकंड में दिखाया जाता है। जैसे कि इस समीकरण में आप देख सकते हैं, यदि गोले की गति कम है तो विस्कोसिटी अधिक होगी, और यदि वेलो की गति अधिक है तो विस्कोसिटी कम होगी। एक तरल पदार्थ जितना अधिक गाढ़ा होता है उतना ही अधिक प्रतिरोध उसके अंदर जाने वाली किसी वस्तु को प्रदान करता है, यानी कि जितना गाढ़ा होगा उसमें उसको उतना ही उसको रेजिस्टेंस मिलेगा उसमें। हालांकि सभी तरल पदार्थों में गाढ़ापन का एक निश्चित माप होता है। जैसे हम पानी को स्टैंडर्ड रूप में मान के, यानी उसका मापदंड लेके तरल पदार्थों को आमतौर पर अधिक गाढ़ा या कम गाढ़ा यानी कि उच्च श्यानता या निम्न श्यानता के रूप में मापते हैं या पहचान करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पानी की विस्कोसिटी 0.001 पास्कल सेकेंड है, जो हवा की मात्रा 0.00019 पास्कल सेकेंड है, और मोटर तेल का 1 है। तो यहाँ पर आसानी समझ सकते हैं कि पानी का विस्कोसिटी एयर के मुकाबले ज़्यादा है और मोटर ऑयल के मुकाबले कम है। तो पानी अगर स्टैंडर्ड है तो एयर का विस्कोसिटी कम हुआ और मोटर ऑयल का विस्कोसिटी ज़्यादा हुआ। इसके साथ ये भी आसानी से देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि तापमान बढ़ने के साथ पदार्थों का विस्कोसिटी कम हो जाता है, लेकिन गैस में यह तापमान वृद्धि के साथ इसका विस्कोसिटी साथ साथ बढ़ते जाता है। तो आपको विस्कोसिटी क्यों मापना चाहिए, विस्कोसिटी का ज़रूरत क्यों पड़ता है, विस्कोसिटी का जानकारी या विस्कोसिटी का माप क्यों लिया जाता है, या उसके बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए? इसका मुख्य कारण है कि अगर कोई आपका दिया हुआ पदार्थ आपका कितना उसमें चिपचिपाहट होगा या कितना अधिक गाढ़ा है, ये सब इसका अगर डाटा रखेंगे तो इससे जो पदार्थों का निर्माण करने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसको ये सब की जानकारी उनका ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम मान के चलिए हम टूथपेस्ट का ले लें, अगर टूथपेस्ट में अगर ज़्यादा उसमें डेंसिटी अगर उसमें विस्कोसिटी अगर उसमें ज़्यादा रहेगी
तो उसको हम उसे ट्यूब से निकालें, हमको ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी और ट्यूब से आसानी से निकलेगा नहीं। और अगर हम उसमें टूथपेस्ट की अगर विस्कोसिटी कम हो गई तो आसानी से बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हम प्रेशर लगाएंगे और अब बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाएगा। इसलिए ये सब की जानकारी के लिए विस्कोसिटी का डेटा रखना जरूरत पड़ता है। और इसके अलावा हम अगर विस्कोसिटी अगर पदार्थ की हम उसके नेचर पता करते हैं, अगर विस्कोसिटी उसकी कितनी है उसके हिसाब से हम उसको कैसे तैयार करना है, उसका उत्पादन कैसे करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, उसका परिवहन का साधन कैसे रहेगा, ये सब का हम प्रक्रिया कैसे होगा, ये सब का हम उसको तैयार करते हैं। तो विस्कोसिटी के टाइप्स, विस्कोसिटी के कितने टाइप के होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं विस्कोसिटी तरल पदार्थों के घर्षण का माप है। तरल पदार्थों की विस्कोसिटी को मापने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायनामिक विस्कोसिटी यानी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और दूसरा होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अधिकतर लोग इन दोनों के बीच में भ्रमित रहते हैं और उन्हें एक ही चीज़ मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में उनके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। कुछ अनुप्रयोगों के लिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी या डायनामिक वेलोसिटी की तुलना में अधिक उपयोगी होता है। यूनिट, तो विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी की इकाई स्टॉक्स है, जिसका नाम ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी सर जॉर्ज गैब्रियल स्टॉक्स के नाम पर रखा गया है। स्टॉक्स को प्रति सेकंड 1 सेंटीमीटर वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है।